अपरा एकादशी माँ लक्ष्मी जी को पूजें और भगवान विष्णु से मांगें। अपरा एकादशी को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत को करने से पुत्र धन और संपदा की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत महात्मत्य और विधि विधान को समझने के लिए पहले वेदांत दर्शन में अपरा एवं परा विद्या के रहस्यों को जानना अनिवार्य है। इस दिन वैदिक रीति रिवाज से किए गए व्रत उपवास के माध्यम से मनुष्य अपने शरीर का कायाकल्प तो करता ही है, साथ में प्रकृति के कुछ विशेष संयोगों का लाभ भी पाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। योग निद्रा में सोए हुए विष्णु पर जब एक दानव ने आक्रमण किया तो उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई जिसने दानव का संहार किया। तभी से सभी एकादशी का व्रत पूजन शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य सुख के लिए किया जाता है। अन्य सभी एकादशी की तरह अपरा एकादशी पुण्य संचय के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुण्य संचय के कारण बड़े से बड़े पापों का नाश होता है। अपरा एकादशी की व्रत कथा में पीपल के वृक्ष के नीचे उत्पात मचाने वाले एक प्रेत की कथा आती है जिसके बारे में एक ऋषि ने अपनी तपोविद्या से जान लिया था। ऋषि ने अवचेतन जगत में जाकर प्रेत से संवाद किया तो प्रेत ने बताया कि वह एक राजा था। उसके भाई ने अकेला पाकर उसकी हत्या करके सबको पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। ऋषि ने अपनी भ्रम विद्या से देखा कि उस राजा जो प्रेत योनि में था ने अपने पूर्व जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए थे जिसके कारण उसकी हत्या हुई और वो प्रेत योनि में आ गया। जब प्रेत ने ऋषि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा तो ऋषि ने प्रेत को ज्येष्ठ मास कृष्ण की एकादशी यानी अपरा एकादशी के व्रत का विधान बताया जिसके प्रभाव से पीपल के वृक्ष के नीचे भटक रहे प्रेत को मुक्ति मिली और मोक्ष प्राप्त हुआ। अपरा एकादशी का व्रत रखकर दान पुण्य कर्म करने से अनेक प्रकार के पाप कटते हैं। यह व्रत करने से जहाँ ब्रह्म हत्या पर निंदा जैसे कर्मों एवं प्रेत आदि योनि से छुटकारा मिलता है, वहीं कीर्ति पुण्य तथा धन की अभिवृद्धि होती है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया जाएगा। यह एकादशी अपरा तथा अचला दो नामों से जानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भक्तों को तुलसी चंदन कपूर गंगा जल सहित भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत धारण कर भगवान विष्णु की प्रतिमा को चंदन लगाकर विष्णु वंदना कर तुलसी के पत्र रखकर आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र और विष्णु सहस्रनाम आदि स्रोतों का जप पाठ करना विशेष शुभप्रद रहता है। अपरा एकादशी के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान और दान आदि का भी विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी को जौ गेहूं और मूंग के पदार्थ का एक बार भोजन जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके उपवास रखें और द्वादशी को पारण करके भोजन करना चाहिए। ऐसे करने से तमाम काम पूरे होते हैं। जब द्वादशी के दिन हम पारण करें तो हमें अगर कोई पंडित मिल जाए तो हमें पंडित को भोजन कराना चाहिए। अगर ना मिले तो हमें कच्चा भोजन निकाल के गौ माता को हमें भोजन कराना चाहिए। उसमें हमें आटा, आलू, चावल, दाल, हल्दी, नमक, देसी घी रखकर गौ माता को समर्पित करना चाहिए जिससे हमारा पूरा व्रत कंप्लीट हो जाता है और हमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद।